खतरनाक बात इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लिए क्या हो सकती है? ये सारी बातें कहीं ना कहीं इंगित करती हैं, कहीं ना कहीं ये दर्शाती हैं कि इस इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लोग ये इस देश को इंडिया का करप्शन बता करके इस देश के लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं और रक्त युक्त क्रांति इस देश के अंदर पैदा करना चाहते हैं, इस देश को किस किनारे पर ले जाना चाहते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। सर सरकार आपकी जांच आप कराएंगे, हम जांच हम मांग करेंगे और हो सकता हम मांग करते हैं, सरकार से मांग करते हैं, सरकार की कोई पार्टी नहीं होती, सरकार संपूर्ण देश की है, हम इस सरकार से मांग करना चाहते हैं। आप निष्पक्ष जांच तो कराइए, हम डबल सजा लेने को तैयार हैं, आप निष्पक्ष जांच कराइए, एसआईटी बिठाइए, हम डबल सजा ले लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए किस कहां से इनका फंडिंग हो रहा है, कहां से इंडिया के बिल्कुल होनी चाहिए, इसकी जांच की जरूरत नहीं है। आप इंटरनेट पे जाके हमारी वेबसाइट पे एक रुपए देने वाले का भी नाम देख सकते हैं और एक रुपए खर्चे का भी इस्तेमाल कहा हुआ देख सकते हैं। और अगर आप कहते हैं कि आप एकदम अच्छे तरह से अपने पैसे का हिसाब रखते हैं तो आप भी इंटरनेट पे डाल दीजिए, हम मान जाएंगे अपने पार्टी के हिसाब से। आप हरीश भारद्वाज की बात से सहमत हैं कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाले लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं? अगेंस्ट करप्शन अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो कार्य कर रहा है, मैं निश्चित रूप से उस कार्य की पूरी प्रशंसा नहीं करता। अरविंद केजरीवाल जी आज अपने आप को उभारने के लिए जो तरीका उन्होंने अपनाया है वो उचित नहीं है। दूसरे की बुराई करके अपने आप को अच्छा साबित करना ये उचित माध्यम नहीं है। आप अगर अच्छे हैं तो अपने कार्यों से अच्छे बने। मैं भारद्वाज जी की इस बात का समर्थन करता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी आज जिस प्रकार से अपना आंदोलन चला रहे हैं उसके पीछे पैसे की व्यवस्था कहाँ से हो रही है, उसके पीछे कहाँ से पैसा आ रहा है, कौन लोग उन्हें चंदा दे रहे हैं, उस चंदे का आधार क्या है जी। चंदा कोई भी व्यक्ति किसी लालच से किसी स्वार्थ के कारण देता है नहीं, राजनीतिक दलों को भी चंदा मिलता है। लेकिन त्यागी जी आज इस वाड्रा की हम लोग बात कर रहे हैं या वाड्रा डीएलएफ की जो डील है इसका भी श्रेय आपको अरविंद केजरीवाल को आपको देना होगा। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी कांग्रेस के भाई से जिस तरीके से कह रहे थे कि उनको निष्पक्ष जांच होनी चाहिए या आप कांग्रेस को जो घेर रहे हैं, ये मुद्दा आपको नहीं भूलना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल ने उठाया। अरविंद केजरीवाल जी ने ये मुद्दा बाद में उठाया, पहले ये मुद्दा इकोनॉमिक टाइम्स में आया था जी, उसे भी बीजेपी ने नहीं उठाया। उस तरीके को पढ़कर अरविंद केजरीवाल जी ने इस मुद्दे को उठाकर अपने तो क्या माना मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए इस मुद्दे को उठाया। और भाजपा क्या माना जाए, मतलब फिर बीजेपी नहीं चाह रही थी कि इन चीजों को उठाया जाए, आप नहीं अटैक करना चाह रहे थे, भाजपा मुद्दा आपने दिया अरविंद केजरीवाल। भाजपा का पहले दिन ही इस बारे में वक्तव्य आया था कि इस बारे में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति पर कोई आक्षेप या कोई आरोप लगाना उचित नहीं है तब तक जब तक कि उसके बारे में पूरा जांच ना हो जाए और जांच के तथ्य सामने ना आ जाए। चलिए, हम भाजपा अरविंद केजरीवाल जी की तरह निराधार राजनीति नहीं करती, हम लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं और बिना कारण के, बिना सबूत के, बिना किसी तथ्यात्मक तथ्य के आरोप नहीं लगाए जा सकते जी। चलिए हरीश भारद्वाज जी, अभी आप भी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन एक चीज ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यही इंडिया अगेंस्ट करप्शन है जिसने नितिन गडकरी के बारे में इस तरीके के आरोप लगाए, उसके बाद आज ये स्थिति है कि नितिन गडकरी के पीछे तमाम ऐसी जांच एजेंसियां हैं जो सरकार ने लगाई हुई हैं, उनकी जांच चल रही है। ये तो कम से कम आपको मानना चाहिए जब नितिन गडकरी के पीछे आप इस तरीके की एजेंसियों को लगा के जांच करा सकते हैं तो वाड्रा की जो डील है, लैंड डील है, उसकी जांच इस तरीके से क्यों नहीं हो सकती है? दोनों में अंतर क्यों किया? मैं आपको इसका बड़ा सकारात्मक उत्तर देना चाहता हूं। यहां पर एक तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के अगर कुमार विश्वास जी मेरी बात को सुन रहे हैं तो उनको मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो, जला सको तो दीप जलाओ, दिल का जलाना मत सीखो। इस देश के लोगों को आप आग लगाने की जो राजनीति है इससे बचें। दूसरी बात, जहां तक आपने प्रश्न कहा था कि रॉबर्ट वढेरा जी के ऊपर जो आरोप थे वो ये थे कि उन्होंने स्टाम्प ड्यूटी कम अदा की, उनकी किसी और अधिकारी को जांच का इस किसी और अधिकारी को उसका म्यूटेशन देना था, किसी और अधिकारी ने दे दिया, वो सारी जांच एक प्रदेश स्तरीय स्तर पर होनी थी और वो उन्होंने कर ली और करने के बाद उन लोगों ने यह निर्णय लिया कि यहां इसमें कहीं भी कोई अनियमितता नहीं बरती गई। जहां तक गडकरी जी का प्रश्न है, यह बड़ा गंभीर प्रश्न है। गडकरी जी ने एक अपनी पूर्ति जो कंपनी थी उसके अंदर 100 कंपनियों का निवेश कराया जिसमें 25 कंपनियों के अते पते फर्जी और उनके लोग फर्जी, उनके सारे धंधे फर्जी। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से उन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा किया था भारतीय जनता पार्टी की आड़ में, उसको साथ लेकर ये जांच बड़ी गंभीर विषय है। हरीश भारद्वाज जी, से भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाकर जिस प्रकार से कंपनी मामलों का, चलिए चलिए मैं आपके जवाब से ही आपसे मैं एक सवाल करूंगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं।